मलेशियन खिलाड़ी को। ये शुरुआत गोल्ड मेडल मैच की। अच्छी शुरुआत रही जी से पहला ही पॉइंट में। क्या लगातार लक्ष्य सेन अपने प्रतिद्वंदी को डिस्प्लेस कर पाएंगे, आउट ऑफ पोजिशन ला पाएंगे, तब शायद जाकर इन स्मैशेस को डिस्टर्ब कर पाएंगे वो। जी हाँ, यहाँ पे जरूरत होगा लक्ष्य को जी का पेस कम करवाने में। चैलेंज किया है अंग सी योंग ने, बहुत क्विक था समझने में। और हल्की सी अंदर थी, क्या आपने देखा मनीष, बहुत ही मिलीमीटर का सवाल था इसमें। जी बिल्कुल, आज कांटे की टक्कर पूरी पूरी संभावना। शॉट सिलेक्शन आज अहम साबित होगा। शुरुआती लम्हों में वो वादा कर रहे हैं लक्ष्य सेन कि भले ही एक आध पॉइंट लगे वो रिदम हासिल करने में, लेकिन इस तरह का शॉट सिलेक्शन वो करने वाले हैं। वो विविधता, वो वैरायटी दिखेगी आज इनके खेल में। अच्छा जजमेंट, लक्ष्य अभी अपने लय में दिख रहे हैं। रिदम पाना एक बात, उस रिदम को बनाए रखना दूसरी बात, और आप दोनों करना चाहते हैं। रिदम हासिल तो कर लिया है लेकिन उसे बनाए रखना चाहते हैं लक्ष्य सेन। एक और बार गजब का शॉट सिलेक्शन, सही एंगल। हाँ बिल्कुल, लक्ष्य को इन तरीके के शॉट्स को खुल के नहीं खेला वो नेट प्ले। देख सकते हैं हम रैकेट को हल्का सा, रादर शटल का हल्का सा टच हुआ। इरादा बिल्कुल सही था मुझे ऐसा लगा, हालांकि हल्की सी गड़बड़ी इस एग्जीक्यूशन में, मार्जिन फॉर एरर बहुत ही छोटा। जे योंग के हार्ड शॉट का जवाब है इस युवा बैडमिंटन सितारे लक्ष्य सेन के पास। अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं लक्ष्य सेन अपने अटैक और डिफेंस को, सही मौकों पे स्मैश मार रहे हैं। दो पॉइंट की लीड इस पहले गेम में। बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं जी, नेट प्ले
जो ड्रिबल उनका रहता है बहुत ही क्लोज रहता है। दो आतिशी स्मैश के बाद खुद ही के किरे किए कराए पर पानी फेर दिया जे योंग ने। क्या डिफेंस था तृप्ति जी, बिल्कुल लक्ष्य की भी दाद देनी होगी, अच्छा डिफेंस किया। अच्छी तरीके से शटल के नीचे आए थे लक्ष्य सेन, लेकिन एंगल भी अच्छा था, चूक गए वहां पे। जे योंग ने सेमीफाइनल में भारत की किदंबी श्रीकांत को बाहर किया था। लक्ष्य सेन हिसाब बराबर करना चाहेंगे और लक्ष्य है उनका जीवन का दूसरा बड़ा इंडिविजुअल मेडल जीतना विश्व मंच पर। बेहतरीन एंगल से खेल रहे हैं, इस तरीके डेप्थ उनको मिल रही है जी योंग को, बहुत ही काबिले तारीफ है। अब देख सकते हैं वहां पे ऑलमोस्ट लक्ष्य को जमीन पे लेके आ रहे हैं हल्का सा हंसते हुए लक्ष्य। मैं जिस स्पिरिट जिस जज्बे के साथ वो ये फाइनल खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बेखौफ है, बिंदास होकर खेल रहे हैं और ये एक नए भारत का प्रतीक है। बड़े मंच पर बड़े कारनामे करने की तैयारी आज के भारत के युवा खिलाड़ियों में। मनीष जी, अगर हम देखेंगे कि दोनों के ये पहले कॉमनवेल्थ गेम्स है, दोनों का पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनल है, गोल्ड मेडल मैच है, यहाँ पे कोई छोड़ेगा नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में दिसंबर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था लक्ष्य ने। हल्का सा बाहर, एंगल तो बहुत सही था, चैलेंज किया है यहां पे लक्ष्य ने, लेकिन मेरे ख्याल से हल्की सी शटल बाहर गई। जी काफी ज्यादा बाहर है अगर हम इस एंगल से देखें, हॉकआई के एंगल से। और उसी के साथ था आधा सफर तय हो चुका है इस पहले गेम का, मलेशिया के जे योंग इस समय लीड में। मलेशिया के जे योंग ने पहले ही गेम में लीड ली है 11-9 की, और हम ब्रेक में देख रहे थे उनके कोचेस को जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन थे हेंद्रावन और वांग चुहान। बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं जी योंग, जितने जल्दी लक्ष्य इस गेम में वापसी करेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा। अपना अटैक बरकरार रख रहे हैं जी योंग, बहुत बेहतरीन तरीके से वो मिक्स कर रहे हैं अपने क्रॉस कोर्ट
स्मैशेस को और डाउन द लाइन स्मैशेस में से लग रहा है कि लक्ष्य के रैकेट के स्ट्रिंग्स टूट गई है। और यहां पे उन्होंने एक पॉइंट भी हासिल कर लिया ऐसे मौके पे। जी हाँ, और अंदर था वो टॉस। जियोंग ने बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये हुई ना बात, सफाई से किया गया। ये हुई ना, इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे इस पहले गेम को। जी हाँ, बहुत ही नजदीक लाइन पे, ऑलमोस्ट लाइन पे ही था वो। बहुत ही अक्यूट स्ट्रोक एंगल। लक्ष्य सेन का पूरा परिवार बैडमिंटन के इस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। उनके पिता डी के सेन एक कोच रहे हैं, उनके भाई चिराग सेन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खेल चुके हैं। ऑन द लाइन, जी नहीं, हल्का सा बाहर ये शॉट। इरादा बिल्कुल सही था तृप्ति जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे लक्ष्य ने चैलेंज किया है, मुझे भी यहाँ से अंदर लग रही थी शटल। देखते हैं हॉकाई का क्या कहना है। हल्का सा बाहर, खारिज कर दिया गया उस चैलेंज को। याद करें 2016 का वो साल जब कामयाबी लक्ष्य सेन के कदम चूम रही थी जूनियर सर्किट पर। लेकिन जिस रणनीति का यू इस्तेमाल कर रहे थे जी योंग, लक्ष्य को कोर्ट के चारों कॉर्नर्स पे खिला रहे थे, छोड़ा नहीं। लेकिन लक्ष्य ने तैयारी है हर शटल तक पहुंचने की, स्किल भी दिखाई है, फिटनेस दिखाई है, वो फुर्ती दिखाई है। दोनों खिलाड़ियों ने प्रभावित किया। आग उगलता हुआ फोरहैंड थी उस मैच में। 24-22, 21-17। मनीष, अगर हम कहेंगे जी योंग के बारे में इस खास तौर के इस खास तौर पे इन क्रूशल मोमेंट्स पे, 19-19 अक्सर ऐसे मुकाबलों में गोल्ड मेडल मैच में 19-20 का फर्क रहता है। आज कौन 21 साबित होगा।
बहुत ही उम्दा खेले वहां पे जी योंग, पोजीशन में नहीं थे, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके का उनका जो क्विक हैंड मूवमेंट है उसी के साथ में उन्होंने वो एंगल दिया और क्या एक्सप्लोसिव पावर जनरेट किया जी। बिल्कुल, जब हम कहते हैं कि अटैक करके खेलो, एग्रेशन में खेलो, उसका मतलब ये नहीं होता कि हर बार आप स्मैशेज ही मारो। हम बोलते हैं कि जिस तरीके से आपका हैंड मूवमेंट होगा, फास्टर मूवमेंट होगा, वो भी एक एग्रेशन है। गेम पॉइंट मलेशिया के नाम। सर्विस एरर्स, वो भी जो पहले अच्छी स्पीड में खेल रहे थे ये रैली। और उसका जवाब दे दिया लक्ष्य सेन ने, पहले से ही कमांड ले लिया रैली में। एक और बार, ये कितनी बार इस तरह के क्रॉस कोर्ट लगाने की फिराक में एरर कर बैठे हैं लक्ष्य सेन। जी हाँ बिल्कुल, सोच तो सही है, क्रॉस कोर्ट एंगल, बस मेरे ख्याल से जो कांटेक्ट हो रहा है उनका, जो स्लाइस उनको मिलना चाहिए या सोच रहे हैं, वो सही तरीके से उनको स्लाइस नहीं मिला। शायद ज्यादा जोर से शॉट लगाने की फिराक में एरर्स हो रहे हैं जी। कई बार ऐसा होता है कि आपको हर एक शॉट एक्यूर चाहिए, उसमें पूरी तरह की एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है कि हर एक स्ट्रोक को आप एक्यूरेटली खेलो। अगले हफ्ते 16 अगस्त को ये 21 साल के होंगे लक्ष्य सेन, एक एडवांस बर्थडे गिफ्ट खुद को देना चाहेंगे। 5-4 play। शायद एक पल के लिए आंखें हटा ली थी शटल से, उन्होंने पूरी तरह से चूक गए उस पिकअप में। जी हाँ, मिड कोर्ट थी, पूरा फायदा लिया जी योंग ने, और कितने जोर का स्मैश उन्होंने मारा है आप देख सकते हैं। चहल कलमी कदमी भले इस रैली में ज्यादा करनी पड़ी लक्ष्य सेन को, लेकिन उसके बाद सब्र के इस इम्तिहान में मलेशिया के जे योंग फेल हुए और लक्ष्य को गति थोड़ी धीमी करनी होगी रैली की, सही मौके पे उनको अटैक करना होगा। क्या रिकवरी थी, चलिए इंसाफ हुआ वो रिकवरी के तो पूरे नंबर, लेकिन उसके बाद ये पॉइंट भी उनके नाम, 6-6 के बराबरी इस दूसरे सेट दूसरे गेम में। बहुत ही कड़ा मुकाबला हो रहा है यहाँ पे मनीष, हर एक पॉइंट। 10 करियर टाइटल अब तक लक्ष्य सेन के नाम, मौजूदा विश्व रैंकिंग 10 की
लेकिन आज अगर ये इस मलेशियन खिलाड़ी को हरा पाए तो ये निश्चित रूप से अब तक इनके करियर का अब तक का सबसे यादगार पल होगा, भारत के लिए एक कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीतना अपने पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में। नाजुक मोड़ पर यह मुकाबला। अब फिर से अपनी खासियत दिखाते हुए जी योंग अच्छा ड्रिबल किया वहां पे। अब देख सकते किस तरीके से वो शटल पूरी रंबल हो रही थी। मजेदार रैली थी लेकिन ऐसा लगा कि एक पल के बाद थक गए थे थोड़े से लक्ष्य सेन। अब शायद मन में ये सवाल चल रहा हो कि मुझे क्या करना होगा वापसी करने के लिए, कैसे दिशा बदले इस मुकाबले की। अब देख सकते हैं जिस तरीके का वो पुश किया था जी योंग ने, उन्होंने अपने खुद के लिए एक ओपनिंग क्रिएट की वो स्मैश मारने के लिए, पूरी तरह से आउटप्लेस कर दिया लक्ष्य को। ये हुई ना बात, ये बेहतर है, थोड़ा और चलेगा। बिल्कुल लक्ष्य को बहुत पेशेंटली खेलना होगा, आसानी से पॉइंट्स नहीं आने वाले यहां पे। लेकिन साथ ही में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कितना कुछ चल रहा होगा उनके मन में, उनके हृदय में, उनके शरीर का कण कण इस समय इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा होगा कि कैसे करूं वापसी, कहां से मिलेगा वापसी का वो रास्ता, उस पथ पर पहला कदम कैसे बढ़ाऊं। इस समय एक गेम पीछे और दूसरे गेम में एक पॉइंट पीछे, लेकिन संभव है वापसी करना। एकमात्र उपाय है आप अटैक करते रहिए, दरवाजा अपने आप खुलेगा, रास्ता अपने आप मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लक्ष्य ने इस बार फ्लिक सर्विस जो की थी उसी के साथ उनको हल्की सी ओपनिंग मिली, क्योंकि वहां पे रेडी नहीं थे जी योंग इस सर्विस के लिए। लाजवाब खेल लक्ष्य सेन की ओर से, अब लीड में। क्या यह शुरुआत है एक धमाकेदार कमबैक की? इसी मोमेंटम को बरकरार रखना है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी इस समय इनकी ओर देख रहे हैं इस आस में कि कुछ ऐसा करिश्मा कर जाए। अच्छी शुरुआत रही लक्ष्य सेन की सेकंड गेम में, सेकंड हाफ की शुरुआत भी मायने रखेगी। और सही तरीके से उन्होंने शुरुआत की है, वहां पे रेडी रहे थे अच्छी ड्रिबल के बाद। अब देख सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने वो टैप किया। हल्की सी फ्रस्ट्रेशन जरूर नजर आ रही है जी योंग के चेहरे पे।
भारतीय फैंस स्वागत करेंगे। ऐसे अनफोर्स आते रहे, अब मुझे लगता है कि प्रेशर का जो पलड़ा है अब थोड़ा सा घूम चुका है, वो पहिया घूम चुका है। पांच पॉइंट के लिए मोमेंटम पूरी तरह से अब भारत के लक्ष्य सेन के पक्ष में। हल्का सा कॉन्फिडेंस गवा रहे हैं जी योंग, बहुत ही इरेटिक खेले पिछले कुछ पॉइंट्स। मुकाबला अब जी योंग की पकड़ से छूट रहा है। सात पॉइंट की लीड, माफ कीजिएगा आठ पॉइंट की लीड में थोड़ा नौजवान गोल्ड मेडल के उस सपने को साकार करने की ओर एक मेडल का वो मैच सोनी टेन टू पर आप उसे देख सकते हैं या फिर सोनी लिप। इंडिया जीतेगा का उद्घोष आपको सुनाई दे रहा होगा आपके टीवी स्क्रीन्स पर। भारतीय समर्थक दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, ये खासियत है, विशेषता है हमारे देश की। जी हाँ, लेकिन यहाँ लक्ष्य पहले दो पॉइंट्स में उनका हल्की सी कंसंट्रेशन लग नहीं रही है। देखिए लक्ष्य सेन नाम का ये लड़का अल्मोरा उत्तराखंड से है और वहां पर हाई ऑल्टीट्यूड पर इन्होंने जो ट्रेनिंग की है इसकी वजह से इनकी जो शारीरिक क्षमता है जो वापसी करने की ये अति उत्साहित हो गए इस मौके पर। धैर्य धीरज इनके दो अच्छे दोस्त हो सकते हैं इस समय इस पल में। एक और एरर, स्वागत करेंगे लक्ष्य सेन इसका, दौड़ाया इस बार। जी हाँ, और मैं देख रही हूं कि हल्का सा जी योंग को अभी कुछ तकलीफ हो रही है आगे फोर कोर्ट में आने की या खेलने के लिए, इसी का फायदा जरूर उठाना होगा लक्ष्य को। और बिल्कुल लक्ष्य यहां पे वो निभा रहे हैं। चैलेंज किया है क्योंकि आउट कॉल किया गया था और जी योंग ने उसे चैलेंज किया है। पहली झलक पर तो लगा कि लैंडिंग अंदर हुई है। जी हाँ बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। जी वो एंगल भी बहुत बेहतरीन था जी योंग का, अब देख सकते हो ओवर द हेड हाफ स्मैश बहुत अच्छा मारा था। ये महंगा पड़ेगा।
लेकिन भारतीय समर्थक स्वागत करेंगे हर इस पल का, हर ऐसे पॉइंट का, हर ऐसे एरर का। लक्ष्य सेन प्रयासरत है निरंतर गोल्ड मेडल के उस लक्ष्य की चाह में। केदार रैली जी, बिल्कुल जिस तरीके से जी योंग रिट्रीव कर रहे थे हर एक अटैक जो लक्ष्य का था, और आखिरकार जब वो अटैक करने लगे छोड़ा नहीं जी योंग ने। बहुत ही अच्छा कमबैक किया था। जो सपना है उसके बारे में सोचकर एक नई स्फूर्ति आ जाती होगी लक्ष्य सेन के मन में, और खासकर जो पीवी सिंधु ने आज कर दिखाया उसके बाद एक अलग जान फूंक दी होगी। बेहतरीन शॉट, अब वापसी का अंदेशा दे रहे हैं जे यंग। जी हाँ, अगर इस तरीके गेम खेलेंगे जी योंग, हल्का सा मुश्किल होगा फिर से लक्ष्य के लिए। डटे रहना होगा लक्ष्य को, अलर्ट रहना होगा हर एक पॉइंट में। थोड़े से नर्वस चेहरे, चार पॉइंट की लीड, जीत से चार पॉइंट दूर लक्ष्य सेन। अब तीन पॉइंट, बड़े ही निराश है, हौसले थोड़े से ढीले पड़ रहे हैं इस मलेशियन खिलाड़ी के, क्योंकि लक्ष्य सेन चढ़कर खेले हैं दूसरे गेम से। बहुत ही अच्छी लिफ्ट, जिस तरीके का उन्होंने लेंथ दिया था। ये वीडियो गेम चल रहा है, ये हकीकत नहीं है, ये वीडियो गेम चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम बैडमिंटन। दो युवा बैडमिंटन सितारों की ओर से वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन इस गोल्ड मेडल मैच में। कमाल की रैली, क्या गजब का डिफेंस दोनों छोर से। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये कंटेस्ट दोनों के बीच में, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे दोनों भी। इस साल 2022 में लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन दुनिया के महारथियों को पछाड़ा है, और आज पहला गेम हारने के बाद एक जादुई गियर इन्होंने लगाया है। चूक गए 19-15, ये कहानी। लक्ष्य फास्ट पेस पे खेल रहे हैं मनीष यहाँ पे, लेकिन उनको साथ ही में ये ध्यान रखना होगा, कंसिस्टेंसी भी बहुत मायने रखेगी। वर्ल्ड चैंपियन लॉक इन यू को भी हराया है इन्होंने आज इस साल 19-16। अगर आप इस मुकाबले को देख रहे हैं तो पानी का एक घूंट पी लीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। जी हाँ, और लक्ष्य को भी यहाँ पे अपना थोड़ा समय लेना होगा,
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जी का जो वापस लय में आ रहे हैं उसको ब्रेक करना होगा। इनकी कोच विमल कुमार भी इस समय थोड़े से नर्वस होंगे, पूरा भारतवर्ष इस समय है इसी आस में अगले दो पॉइंट लक्ष्य के नाम हो। मैच पॉइंट 20-16, चार मैच पॉइंट 20 वर्षीय युवा बैडमिंटन सितारा लक्ष्य सेन अब खड़ा है इतिहास की कगार पर। इस पल को अपने मोबाइल फोन्स में कैद कर लीजिए। सितारा खड़ा है कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम पर, पहले स्थान पर। लक्ष्य सेन आज एक और गोल्ड मेडल दिला चुका है भारत को, पहले पीवी सिंधु फिर लक्ष्य सेन। क्या कहे लक्ष्य सेन के जज्बे के बारे में, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इन्होंने इरादा दिखाया, तैयारी दिखाई, वापसी की भूख दिखाई, अपनी क्षमता दिखाई, अपना स्किल दिखाया और नए भारत की लड़ने की क्षमता, बड़े मंच पर नए भारत का आत्मविश्वास दिखाया। लक्ष्य सेन इस बड़ी जीत के बाद भारतीय बैडमिंटन में इनकी चमक दमक कुछ और।